हिमाचल की राजधानी शिमला में दिवाली के लिए पटाखा बाजार सज गए हैं। शिमला में जिला प्रशासन ने पटाखों के लिए 14 स्थान चिन्हित किए हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक, संजौली और बालूगंज के अलावा उपनगरों में पटाखा बाजार सजना आरंभ हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों के लिए चयनित स्थानों पर लगे स्टालों से खरीदारी कर सकते हैं। प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय 2 घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया है। शहर के आइस स्केटिंग रिंक, बालूगंज मैदान, गोपाल मंदिर के सामने, संजौली, पीडब्ल्यूडी पार्किंग छोटा शिमला, खलीणी बाईपास, त्रिलोक चंद शॉप के पास, एचपीयू ग्राउंड समर हिल, छोटा शिमला कुसुमटी की ओर सड़क पर खुला स्थान, जीएसएसएस फागली के पास खुला मैदान, कुसुमटी के लिए रानी ग्राउंड कुसुमटी, टूटू में शिव शक्ति मंदिर के पास ग्राउंड, न्यू शिमला के लिए साईं भवन के पास खाली जगह, ढली संजौली बाईपास बस स्टॉप, विकास नगर क्षेत्र में सड़क किनारे पुलिस चौकी के पास का स्थान पटाखा बेचने के लिए चिन्हित किया गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी तथा अग्निशमन विभाग को व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई आगजनी की दुर्घटना होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। शिमला में पटाखे जलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे रखा गया है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।